नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा NCL का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने NCL का अप्रेंटिस का फॉर्म डाल रखा हुआ था, उनके लिए यहाँ पर एक नोटिस निकल कर आया हुआ था और उसका समय नज़दीक आ गया, क्योंकि उसका अभी लास्ट डेट आने वाला है। अब क्या है हम आपको बता देते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेनू है। मेनू वाले ऑप्शन पर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको जाना करियर वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे तो देखिए आपके सामने ये जो खुलेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपका पेज होगा कुछ इस तरह से खुल कर आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक नोटिस जो आया था कि नोटिस सूचना या नोटिस रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड ड्यू टू वेरियस रीजन, यानी कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनका आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया है, उन्हीं के संबंध में जो सूचना आया था, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए ये जो अप्रेंटिस का फॉर्म डाले हुए थे उनका किसी कारण से फॉर्म अगर निरस्त कर दिया गया है तो उसी को यहाँ पर बताया गया है और इसका लास्ट डेट भी आ चुका है। अगर आपके पास 2 दिन का अभी भी समय है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये नोटिस में क्या है, आइए हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका 2/2/2022 के डेट में आया हुआ नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि NCL में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए इस कार्यालय के अधिसूचना क्रम संख्या NCL, देख सकते हैं यहाँ पर HRD अप्रेंटिस अधिसूचना 21/24/39 दिनांक 27/11/2021 को जो फॉर्म आया हुआ था अप्रेंटिसशिप का, उसी के संदर्भ में ऐसे उम्मीदवारों की सूची यहाँ पर तैयार की गई है जिसमें सूचना के साथ प्रकाशित की जा रही है कि जिनका आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया है। इस सूचना के साथ निम्न अनुगुण अनुलग्न संलग्न किए जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले कि अनएग्जरी फर्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनका आवेदन अधिक आयु होने की वजह से निरस्त कर दिया गया है, ठीक। जो दूसरा दूसरा अनएग्जरी है, इसमें कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची दी गई है बी वाले में जिनका आवेदन कम आयु होने की वजह से निरस्त कर दिया गया है, ठीक। सी वाला ऐसे है कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनका कि आवेदन वांछित ITI ट्रेड की जगह अन ITI ट्रेड की मार्कशीट जमा करने की वजह से निरस्त कर दिया गया है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर डी वाला है कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनका आवेदन ITI मार्कशीट जमा ना करने की वजह से निरस्त कर दिया गया है, ठीक। ई वाला है कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनका आवेदन अधूरा होने की वजह से निरस्त कर दिया गया है। तो पूरा यहाँ पर लिस्ट तैयार किया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद छठा यहाँ पर है कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनका आवेदन उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्य कि ITI संस्थान द्वारा प्रदत्त ITI मार्कशीट जमा करने की वजह से निरस्त कर दिया है, यानी कि अगर आपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा कहीं से ITI की हैं तो भी आपका फॉर्म यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर है अगला जी वाला कि ऐसे अभ्यर्थी की सूची जिनका आवेदन जाति श्रेणी का विवरण न उल्लेखित करने की वजह से निरस्त कर दिया गया है। और आठवां है यहाँ पर कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनका आवेदन उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम वांछित अंक प्राप्त न होने की वजह से निरस्त कर दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है उन्हें सूचना जारी करने की तिथि से 7 दिनों के भीतर पर्याप्त एवं वैध दस्तावेज प्रमाण पत्रों के साथ अपील करने का अवसर दिया जाता है, ठीक। तो 7 दिन की, 2 तारीख को ये निकला था तो 9 तारीख तक आपके पास डेट है, यानी कि 8 ही तक आपको पूरा जमा कर देना है, ठीक। देख सकते हैं आवेदन अपनी अभ्यर्थना से संबंधित अपील पर्याप्त एवं वैध दस्तावेजी प्रमाणों के साथ ईमेल ID, ये जो ईमेल ID है इसी ईमेल ID पर आपको भेजना है, ठीक, जो आपको अपील करना है। कह रहा है अन्य प्रपत्र के माध्यम से प्रेषित अपील या अपील की अंतिम तिथि जो है 8 फरवरी 2022 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक। तो आज है हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कितना तारीख है, आज हमारा 7 तारीख है, तो 7 तारीख है, कल इसका लास्ट डेट है। तो आपके पास आज और कल 2 दिन का समय है, तो आप इस 2 दिन के अंदर अपना सब कुछ सही कर सकते हैं। इस ईमेल ID पर जाके आप अपना कर दीजिएगा अपील, ठीक। कह रही है सूचना सभी संबंधित अभ्यर्थियों के सूचनार्थ हेतु जारी की जा रही है, ठीक। बाकी यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस किस, जैसे अनएग्जरी फर्स्ट यहाँ पर आप देखिए आ गया है, यहाँ पर 8 लिस्ट जो हमने आपको बताया है 8 लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, ठीक। कह रहा है कट ऑफ डेट फॉर एज डिटर्मिनेशन इज जनरल कैटेगरी इज 21/9/1997 है, ठीक। कट ऑफ डेट फॉर एज डिटर OBC नॉन क्रिमिलेयर वालों के लिए यहाँ पर 21/12/1994 है, और कट ऑफ डेट फॉर ए डिटर्मिनेशन इन SC/ST कैटेगरी के लिए 21/12/1992 है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है, बाकी कह रहे कट ऑफ एज फॉर डिटर्मिनेशन इन
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो है आपका 12/21/87 है। कट ऑफ डेट फॉर ए डिटरमिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए 21/84 है। इसके बाद कट ऑफ डेट फॉर ए डिटरमिनेंस पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 21/12/1982 है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा ऊपर बता दिया गया है कि कितने कितने के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिजेक्टेड ड्यू टू ओवर एज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो भी स्टूडेंट ओवर एज हो चुके हैं उनका लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है। सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन कोड है, यहाँ पर कैंडिडेट नेम है, यहाँ पर कैंडिडेट है, यहाँ पर सोशल कैटेगरी दिया गया है और इसको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उनका दिया गया है। फिर डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है और रिमार्क के बारे में बताया कि ये लोग ओवर एज हो गए हैं। देखिए जो लोग ओवर एज हो गए हैं अब तो वो लोग तो फॉर्म तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया गया है और उन लोग को उसका सही भी नहीं होगा जिनका डॉक्यूमेंट में मतलब किसी तरह का अगर बाई चांस वो प्रूफ फिल नहीं कर पाए थे तो इन सब के पास अभी चांस है कि वो अपना सब कुछ जो है अपील कर सकते हैं। और ये लोग भी अगर अपील करना चाहते हैं तो अपना अगर है कोई वैलिड प्रूफ तो अपना एज प्रूफ के लिए अपना अपील कर सकते हैं। अगर है बाई चांस किसी कारणवश से अगर गलती से हो गया हो तो आप अपील कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर और दूसरा है, यहाँ पर देखेंगे तो अनएग्जरी देखिए यहाँ पर फिटर ट्रेड का जो है ओवर एज हो चुके स्टूडेंट का यहाँ पर है। ठीक, ओवर एज वाले हैं। अब जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट के हैं उनको भी कह रहे हैं इनको रिजेक्ट कर दिया है, उनका भी लिस्ट जारी कर दिया गया है। देख रहे हैं अनएग्जरी सेकेंड है, लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड सबमिशन ऑफ आई टी आई सर्टी अदर देन द स्पेसिफाइड ट्रेड, यानी कि स्पेसिफाइड ट्रेड से अलग है अगर उनका तो उनका भी यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है ये, और ये सब देख सकते हैं पता नहीं क्या क्या फिटर का लगा दिए हैं, वेल्डर का पता नहीं क्या क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए है ये, आप अपने चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर आपका पूरा डिटेल है। और देखिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी तेज़ी से हम आप भगा रहे हैं फिर भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों का यहाँ पर फार्म जो है अप्रेंटिसशिप का रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक, देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पेज का है, करीब 77 पेज का यहाँ पर है जिसमें से करीब 5 या 6 पेज लगभग नोटिस का होगा, बाकी और सब जो कुछ भी है ये आप लोग देख सकते हैं। इनका पूरा कैंडिडेट का नाम पता एड्रेस सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो इस तरह से आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नाम भी चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन करने के पास के लिए आपके पास आज और कल 2 दिन का समय है, आप अपना जो ईमेल आईडी बताए हैं उसी ईमेल आईडी पर जाके आप अपना अपील कर सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।